इनको बेरोजगार और किसानों की चिंता नहीं थी। इनको 9 सालों में राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ के लिए नहीं मरा। विरोध है कि आप राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशन हेट को अलग कर रहे हैं। यह भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, इसीलिए कोई निर्णय लेना चाहिए, उद्घाटन को रोकना चाहिए। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने वाले से यह पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के पीएम कभी चीन, रूस, अमेरिका, क्या आप किसी सिख के खिलाफ कभी कोई बात बोल पाएंगे? क्या आप कभी क्रिश्चियन के खिलाफ आप एक बार बात करके देखिए बोल पाएंगे? क्योंकि इनका आधार ही सत्ता का पाकिस्तान और मुसलमान। 2019 में इनको फिर नए बाबा मिल गए, 2024 में फिर एक नए बाबा को ये परोसेस दें। भारत में महंगाई है, इनकी उपलब्धि बेरोजगारी है, इनकी उपलब्धि नफरत है, इनकी उपलब्धि दूसरों को गाली देना है, इनकी उपलब्धि सिवाय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस को गाली देने के अलावे और पाकिस्तान और मुसलमान को टारगेट के अलावे इनके पास कोई उपलब्धि आज तक नहीं। 888 की सीट बन गई और आप उद्घाटन करेंगे, किसी को आपत्ति नहीं है उद्घाटन करने का। जब जरूरत रोजगार की थी तो इन्होंने बिस्टा जैसी एक अरबों करोड़ों के इन्होंने पैसे वहां खर्च किए। इनको बेरोजगार और किसानों की चिंता नहीं थी, इनको गैस सिलेंडर की चिंता नहीं थी, इनको तेल और मिट्टी तेल, डीजल और पेट्रोल की चिंता नहीं थी, इनको पर कैपिटा इनकम 6,000 रुपया को बढ़ाने की चिंता नहीं थी, इनको 9 सालों में राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ के लिए नहीं मरा। ये सिर्फ दिखावे। राष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वोच्च होते हैं, किसी का विरोध नहीं है, विरोध है कि आप राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं कर रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशन हेड को अलग कर रहे हैं। इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना चाहिए, इससे कॉन्स्टिट्यूशन हेड को अलग करके, जिनकी भूमिका ऐसी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण है, और अपने ही को परोसना, भगवान दिखाना, यह भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, इसीलिए कोई निर्णय लेना चाहिए, उद्घाटन को रोकना चाहिए। एक व्यक्ति जो 9 महीने के बच्चे की तरह पेट में 9 महीना बच्चा रहता है, हमेशा हर हरकत को उन्होंने 9 महीने की तरह किया, 9 साल की तरह नहीं किया। एक व्यक्ति जिनका जन्म गोधरा से पुलवामा तक के बीच, जिनकी लाइफ है, और जिन्होंने कभी एक पॉजिटिव सकारात्मक काम के अलावे, कभी एक्सीडेंटल पीएम, कभी जननायक मोदी, कभी कश्मीर फाइल, कभी पाकिस्तान, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने वाले से यह पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के पीएम कभी चीन, रूस, अमेरिका, क्या आप किसी सिख के खिलाफ कभी कोई बात बोल पाएंगे? क्या आप कभी क्रिश्चियन के खिलाफ आप एक बार बात करके देखिए बोल पाएंगे? आप ये टारगेट सिर्फ इनका पाकिस्तान और मुसलमान, क्योंकि इनका आधार ही सत्ता का पाकिस्तान और मुसलमान। कभी भी हिंदुस्तान के पीएम ने विकास के बारे में कभी चर्चा नहीं। नोटबंदी जो इनके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे एपिसोड था, नोटबंदी बीजेपी और प्रधानमंत्री जी भूल गए, जीएसटी भूल गए, कालाधन भूल गए, जाली नोट भूल गए, 15 लाख रुपया भूल गए, राशि भूल गई, रोजगार भूल गए, महंगाई भूल गई, गैस का कनेक्ट भूल गया, पेट्रोल डीजल की चीजें भूल गई, हल्दी नमक तेल सब भूल गए, महिलाओं की सुरक्षा भूल गए, महिलाओं का सम्मान भूल गए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भूल गए, एक ट्वीट नहीं जंतर मंतर पर, किसानों के 9 महीना का मौत भूल गए, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ भूल गए,
भारत की इकोनॉमी भूल गए। ये 10 किलो अनाज और 10 किलो चावल आटा की बात करते हैं 84 करोड़ लोगों के। इनको सिर्फ याद रहता है कि किसी प्रकारण, चाहे वो कभी किसी बाबा के द्वारा, कभी किसी लाइजनर के द्वारा, 2014 में इनके लाइजनिंग करने का काम रामदेव जी और रविशंकर जी ने किए, अन लोगों ने किया। 2019 में इनको फिर नए बाबा मिल गए, 2024 में फिर एक नए बाबा को ये परोसते हैं। या एक ऐसे पीएम है जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से इनका कोई लेना देना नहीं, इकोनॉमी से लेना देना नहीं। भारत में हमारी करेंसी पाकिस्तान से भी कम है, हम नाइजीरिया से ज्यादा हमारी भुखमरी हो गई, गरीब हो गए। बांग्लादेश और श्रीलंका से ज्यादा हमारी भुखमरी हो गई। चीन का सारा फैक्ट्री वियतनाम गया और हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हम एक फैक्ट्री यहां पूंजी निवेश नहीं कर पाए। 9 सालों के अंदर इनकी उपलब्धि भारत में महंगाई है, इनकी उपलब्धि बेरोजगारी है, इनकी उपलब्धि नफरत है, इनकी उपलब्धि दूसरों को गाली देना है, इनकी उपलब्धि सिवाय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस को गाली देने के अलावे और पाकिस्तान और मुसलमान को टारगेट के अलावे इनके पास कोई उपलब्धि आज तक नहीं। यह एक ऐसा पीएम है जिनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं जाएगी। राम मंदिर कोर्ट का निर्णय और सबने हिंदू मुसलमान सिख मंदिर बने, मस्जिद बने, बिल्कुल ओपन है हमारा देश, उस पर इनकी ये उपलब्धि नहीं है। राम मंदिर हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा है, हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमको रोजगार नहीं देगा, हमारे किसानों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं करेगा। राम मंदिर मेरे आस्था से जुड़ा हुआ है, हम हिंदुस्तान में वाल्मीकि का मंदिर भी बनाएंगे और हम लोग बनाएंगे, सीता का भी मंदिर बनाएंगे, सीतामढ़ी में एक नई अयोध्या का मैं बार बार शुरू से कहता हूं, लेकिन रोजगार देगा ये चीज? रोजगार पर कोई चर्चा है? सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।